वेलकम टू पिंग पोंग सीरीज। आज के ट्यूटोरियल में हम बॉल मूवमेंट सीखेंगे। सबसे पहले हम गेम के अंदर कुछ बाउंड्रीज ऐड करते हैं। सो बेसिकली ये ब्लॉक्स रहेंगे, तो क्विकली क्रिएट करते हैं। सो राइट क्लिक, 2D ऑब्जेक्ट, स्प्राइट स्क्वायर, इसे हम नाम देंगे ब्लॉक। एक्स पे अराउंड 25 और यहाँ पे इसे ड्रैग करते हैं ऊपर। इसके ऊपर हम एक बॉक्स कोलाइडर कंपोनेंट ऐड करेंगे। सो बॉक्स कोलाइडर 2D, सिंपली इसे डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल डी, ड्रैग करेंगे नीचे, वापस से डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी, और इस बार हम यहाँ पे जो जेड एक्सिस पे रोटेशन है वो करते हैं 90। इसका जो साइज है वो डिक्रीज करते हैं टू राउंड 10। यहाँ पे ऊपर लेकर आते हैं इसे, तो ये जो ब्लॉक 2 है इसको डुप्लीकेट करते हैं और लेकर आते हैं इस साइड पे। अगला स्टेप है, हमें बॉल क्रिएट करना है। सो 2D स्प्राइट स्क्वायर, इसे हम नाम देंगे बॉल। इसका जो एक्स वैल्यू है वो हम चेंज करते हैं टू अराउंड 0.4 और वाई का वैल्यू 0.4। बॉल में कुछ कंपोनेंट्स ऐड करने हैं, तो सबसे पहले है बॉक्स कोलाइडर 2D। नेक्स्ट है हमें रिजिड बॉडी कंपोनेंट ऐड करना है, तो रिजिड बॉडी 2D। यहाँ पे ग्रेविटी स्केल हम 0 करते हैं, ऑन कोलिजन डिटेक्शन कंटिन्यूस रखते हैं, कंस्ट्रेंट पे ड्रॉप डाउन और फ्रीज रोटेशन जो है उसको टिक करते हैं जेड एक्सिस पे। तो ऐड अ न्यू स्क्रिप्ट, इसे हम नाम देंगे बॉल मूव। यहाँ पे हमें अपडेट फंक्शन की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सो रिमूव करते हैं। सबसे पहले हम स्पीड इनिशियलाइज करते हैं। सो पब्लिक फ्लोट स्पीड, पब्लिक रिजिड बॉडी 2D, अभी एक कस्टम फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा लॉन्च। सो पब्लिक वॉइड लॉन्च, इस लॉन्च फंक्शन को हम स्टार्ट में कॉल करेंगे। सो यहाँ पे लॉन्च, क्योंकि ये 2D गेम है, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वैल्यूज चेंज करेंगे। फ्लोट एक्स इक्वल्स टू रैंडम डॉट रेंज 0.2 और दूसरा रहेगा फ्लोट वाई इक्वल्स टू रैंडम डॉट रेंज 0.2। फिर लिखेंगे RB डॉट वेलोसिटी इक्वल्स टू न्यू वेक्टर 2 एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्पीड कॉमा वाई मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। यहाँ पे x वैल्यू पे अगर वैल्यू 0 होता है, सो इधर वी कैन गो विथ -1 और वी कैन गो विथ +1। सिंपली y पे भी सेम लिखेंगे, इक्वल्स टू 0 इफ इट इज देन -1 और 1। तो सिंपली हम यहाँ पे 0 नहीं करेंगे, -1 या 1 पे वैल्यू रखेंगे, ठीक है। कंट्रोल s सेव करते हैं। सो बैक टू UNT, यहाँ पे बॉल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है उस पे हम स्पीड जो है वो लिखते हैं 3। रिजिड बॉडी कंपोनेंट जो यहाँ पे अटैच किया है उसे ड्रैग करते हैं नीचे, और आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो ऑर्डर लेयर है उसे हम करेंगे 1 और प्ले करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉल लॉन्च हो रहा है बट बाउंस नहीं हो रहा है, तो इसका रीजन ये है कि हमने फिजिक्स मटेरियल क्रिएट नहीं किया है। तो क्विकली फिजिक्स मटेरियल क्रिएट करते हैं, तो एसेट्स में आते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक, क्रिएट 2D फिजिक्स मटेरियल 2D, इसे हम नाम देंगे बाउंसी। इसका जो फ्रिक्शन है वो हम करते हैं 0 और बाउंसिनेस करते हैं 1, और क्या करते हैं बॉल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे रिजिड बॉडी है उस पे डायरेक्टली ये मटेरियल अटैच कर लेते हैं। क्विकली प्ले करते हैं और देखते हैं कि ये फंक्शन कर रहा है या नहीं, और ये आप देख सकते हो कि बॉल बाउंस हो रहा है बट हमारा जो पैडल है वो रोटेट हो रहा है, ये हमें नहीं चाहिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, प्लेयर 1 और प्लेयर 2 को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो फ्रीज रोटेशन जेड है उसको टिक करेंगे, और साथ ही साथ फ्रीज पोजीशन एक्स जो है उसे भी टिक करेंगे, ठीक है। प्ले करते हैं, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, तो ये आप देख सकते हो कि बॉल बाउंस हो रहा है इजीली। तो इस तरीके से हमने बॉल मूवमेंट सीख लिया है आज के ट्यूटोरियल में। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।